टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को Xiaomi के Redmi 6 का यहाँ पे एक गेमिंग रिव्यू यहाँ पे जो वो देने वाला हूँ और इसमें मिलता है आप लोगों को Helio का P22 वाला प्रोसेसर जो MediaTek की तरफ से एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, 12 nm वाला प्रोसेसर है। देखते हैं कितना ये बैटरी एफिशिएंट है, कितना पावरफुल है। यहाँ पे मैं इसके अंदर जो वो Asphalt 9 और PUBG से हाई एंड गेम खेलूंगा। कैजुअल गेम तो आप नॉर्मल इसमें खेल सकते हैं और साथ में इसका जो वो हीट टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे कि बैटरी परसेंटेज भी कितनी जो वो ड्रॉप होती है। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते, इसकी गेमिंग भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप लोग को इस फोन में वाकई में अच्छी गेमिंग देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे कितना है। तो ये देखेंगे 32 डिग्री के आसपास आपको आउटसाइड टेम्परेचर मिल रहा है और फोन का टेम्परेचर यहाँ पे है 34 डिग्री के आसपास है आप देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करूँ तो 62% पे आपको मिलता है और टाइम पे आप ध्यान रखना 4:32 है, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 62 और टेम्परेचर है 34 मोबाइल का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे जो हुए हैं दो गेम्स और यहाँ पे हम जाते हैं Asphalt 9 और PUBG। हम दोनों गेम्स को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्ले करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि बैटरी कितना जल्दी ड्रॉप होती है और कितना हीट होता है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Asphalt 9 से। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में और आप लोग को बता रहे थे हम जाते हैं गेम सेटिंग्स में यहाँ पे इस तरीके से और जाते हैं साउंड एंड डिस्प्ले और यहाँ पे आप देखेंगे ये चल रही है हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी में बहुत लैग होती है तो मैं क्या करूंगा एक बार एक गेम खेल लेंगे हाई क्वालिटी में, फिर मीडियम करेंगे और उसके बाद उसमें भी आपको गेम प्ले बता देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे गेम शुरू हो चुकी है और हाई ग्राफिक्स में वैसे पहले मैं आपको बताया था कि काफी लैग होता है, आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा लैग हो रही है और फिर भी हम जैसे जैसे गेम को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिक्स वैसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसने जो वो शो किया आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से इसने डिटेल्स वगैरह लिया है और गेम लेकिन यहाँ पे काफी अनप्लेएबल है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा गेम प्ले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं गेम की सेटिंग्स में, थोड़ी सी ग्राफिक्स को हम थोड़ी सी लो कर देते हैं और ये देखेंगे डिफॉल्ट और परफॉर्मेंस, ठीक है हम परफॉर्मेंस पे रखते हैं और इसको यहाँ पे बैक करते हैं और ये गेम को ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करेगा। और आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा ही खेला हूँ और 4:36 हो रहे, 4 मिनट के गेम प्ले में 2% बैटरी गिर गई है, 62 से 60 हो चुकी है आप देखेंगे यहाँ पे। तो खैर जो भी है और थोड़ा सा अगर टेम्परेचर देख लेते 3-4 मिनट में कितना हुआ है तो 37 पे आप देखेंगे यहाँ पे पहुँच गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ग्राफिक्स के साथ में बहुत छेड़छाड़ करी है, हमने परफॉर्मेंस पे रखा फिर भी गेम लैग हो रही थी, अब फिर मैंने डिफॉल्ट पे रखा हो उसके बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे वही हाई ग्राफिक्स दिख रही है और उसके बाद भी गेम प्रॉपरली यहाँ पे नहीं मतलब चल रही है। Asphalt 9 मतलब बराबर से प्लेएबल नहीं है तो फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप Asphalt 8 खेलेंगे तो शायद से वो गेम आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिलेंगी, लेकिन Asphalt 9 फिलहाल के लिए प्लेएबल नहीं है। तो आप देखेंगे फिर से वही सीन है, Asphalt 9 का एक्सपीरियंस वैसे इतना खास नहीं था तो ये हमने गेम कंप्लीट कर दी है और हम अभी यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अभी आपको यहां पे दिखाते हैं हमने 62% पे छोड़ा था 58 हो गई है यहां पे, मतलब 4% गिर गई है और हमने ऑलमोस्ट 9 मिनट ये गेम खेला था 4:32 के आसपास, 34% था टेम्परेचर, अभी देखते हैं यहां पे 40% जो वो हो चुका है तो इतना भी ज्यादा 41 पीछे की तरफ हो चुका है, तो P22 सही है इतना भी ज्यादा वो नहीं है। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे PUBG खेलते हैं और टाइम देख लेते हैं, PUBG का शुरू करने से पहले 4:42 है और इसका बैटरी टेम्परेचर जो है वो बैटरी परसेंटेज यहाँ पे जो वो 58% पे है और PUBG यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, टेम्परेचर आप देखेंगे तो वैसे ही रहेगा 40 डिग्री के आसपास है, तो अब देखते हैं कि ये टेम्परेचर कितना मेंटेन करता है। तो यहाँ पे एक लंबा सा अपडेट आ चुका है और ये 195 MB का फाइल साइज आ जाएगा तो ये और टाइम ज़्यादा खा जाएगा, आप देखेंगे 2 मिनट तो ऐसी और उसने एक्स्ट्रा ले लिया और बैटरी 57% हो गई। और खैर ये अपडेट होता है, इसको अपडेट होने देते हैं, स्किप करते हैं, उसके बाद सीधे गेम में जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा दिया इसने अपडेट करने में और वापस ये गेम रिस्टार्ट होगी, मतलब हमने बहुत टाइम दे दिया है और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, बैटरी भी काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है। तो खैर
वापस से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस गेम को। अच्छा है कि ये उस टाइम तक ये गेम में ही था और इसने बैटरी टेम्परेचर आप देखेंगे तो अच्छा मेंटेन किया है, 40 तक ही है, उसके ऊपर नहीं गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4:50 है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज 55% के आसपास है। तो यहाँ पे पहले से ये जो वो ग्राफिक्स को उसने लो पे रखा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमारे हिसाब से हम ग्राफिक्स को देखेंगे कितना आगे तक ये जाता है। गेम यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है और ये फोकस हो चुका है आप देखेंगे। और सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे और ग्राफिक्स में जाते हैं नीचे यहाँ पे इस तरफ से, और ये स्मूथ पे आपको मीडियम और यहाँ पे रियलिस्टिक मारते हैं। देखते हैं बैलेंस में क्या आता है, बैलेंस होता है, बैलेंस में मीडियम है। अच्छा HD नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, बैलेंस तक ही आपको मिलता है, बैलेंस मीडियम और रियलिस्टिक। ओके करते हैं, ये ग्राफिक को सेट करता है, सेट करेगा फिर गेम शुरू करते हैं। तो हम हवाई जहाज में आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हमारा काम होगा यहाँ से उतरना। फाइनली हम यहाँ पे जब लैंड हो चुके हैं और यहाँ पे अब थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखेगा, मैंने लाइट को थोड़ी सी डिम कर दिया हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का आपको मिलता है। और परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल के लिए काफी अच्छी है, मुझे मैंने जैसे आपसे कहा था पबजी में कोई मुझे इशू नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। और थोड़ा बहुत स्टटर लैग आपको हल्का दिखेगा पर वो नोटिसेबल नहीं है, इतना तो आप झेल सकते ही हो। और अभी यहाँ पे मुझे भागना पड़ेगा, घर के अंदर जाना है मुझे वैसे तो, और घर के अंदर जाए के आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ से ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो हल्का सा स्टटर दिखता है देखेंगे इस तरफ, लेकिन ऐसा देखेंगे नॉर्मल चलता है, ऐसा देखेंगे थोड़ा सा स्टटर है। चलो भाई इधर से कुछ उठा ले, गन वन उठा थोड़ा, अरे गैस का बाटला फिर से मिल गया, ये गैस का बाटला मुझे बहुत पसंद है। टोपी पहन, टोपी पहन, टोपी तो थी यार फायदा नहीं, जल्दी से कुछ गन ले ले। चल भाई गोली आ गई है, तो गोली मारे ठड़ाक, तो बस गोली मारते टाइम में थोड़ा सा लैग स्टटर आपको हल्का हल्का दिखेगा क्योंकि वो रेंडर करता है इसलिए। तो कोई तो आ जाओ भाई, मैं कहाँ हूँ और सब कहाँ है। और ये देखेंगे हम आ चुके हैं अपने अड्डे पर, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि घूम फिर के हम वहीं पे आ गए, पता नहीं शायद ऐसी नहीं, हाँ शायद ऐसी ही है, घूम फिर के मैं वहीं तो नहीं आ गया। चला मार, ये क्या है वे, अब ये तो कितनी नंगी है, देखो कपड़े भी नहीं पहनी इसने, कपड़े तो पहन ले पे, कहाँ भाग रही, मारो मारो मारो, अभी तो मेरी वाली लग रहा है मुझे, भी दे रहा है, भाई सामने आना, साला पिस्टल से मारूंगा, पिस्टल से, पिस्टल से। तो यहाँ पे हम जो वो बाहर आ जाते हैं, बहुत हो चुका है ऑलमोस्ट 3-4:32 से लेके ये हो चुका है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा खेल लिया है और अभी ऑलमोस्ट अभी देखेंगे तो यहाँ पे 42-43 और पीछे देखेंगे 41-42 के आसपास है, मतलब ज़्यादातर आपको 42 मैक्सिमम जो उसमें देखने को मिल रहा है। और 62% स्टार्ट किए थे, 51% यानी कि इसका जो लगभग से 11% जो वो बैटरी ड्रॉप हुई है, और उसके बाद इसने मतलब अच्छा मेंटेन किया है, टेम्परेचर थोड़ा ठीक मेंटेन किया है। और असफल लाइन बिल्कुल भी आप देखेंगे प्लेबल नहीं है, बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पबजी इसने थोड़ा अच्छा खेला है और यहाँ पे हल्का सा मुझे इस तरफ जो वो हीट जो वो थोड़ा नज़र आ रहा है। तो बस हाँ इतना ही कुछ आपको देखने को मिलता है, ये तो सिर्फ हाई एंड गेम्स थे, अगर आप चाहें तो दूसरे नॉर्मल गेम्स अच्छे से जो वो खेल सकते हैं। तो ये हीलियो का P22 जो Redmi 6 में आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कुछ और रिव्यू देखना है इस फोन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी आप लोग के लिए लाने के लिए तैयार हूं। तो इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।